देश में सब जानते हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई है ना, अभी तो सीएनजी और उस पर तो मैं आ ही नहीं रहा, लेकिन असली मुद्दा कहां छिपा है वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इस बयान को आपको सबको सुनना चाहिए। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके मुझे याद आया कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। दुनिया में सबसे महंगी गैस भारत में मिल रही है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, ये रिकॉर्ड भी आपके नाम रहा, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, करेक्ट कर दीजिए प्लीज। महीने के बाद मेरी आज की क्लिप चलेगी व्हाट्सएप के मैसेजेस पर और ट्विटर के ऊपर, ये क्लिप संभाल के रखना। मैं आज चेतावनी दे रहा हूँ कि दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, तो भारत को बचाना है तो बहुत सारी चीजें करना होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत को डूबने नहीं देगी। तो हम दुनिया की सबसे महंगी गैस नहीं खरीद रहे, आप मुझे ये समझा रहे हो। एक बयान सुना रहा हूं प्लीज, उसके बाद आते हैं। प्लीज प्ले करिएगा इस बयान को, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा संकट इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की देख देख सके, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते हैं, देखना सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूड़ा दे रहेगा। गुरेज भाई कुछ याद आया, होली आएगी महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली आएगी महंगाई कम हो जाएगी, वैसे ही आप कह रहे कोरोना काल खत्म हुआ महंगाई कम हो जाएगी, कुछ याद आया? मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है कि किस प्रकार से भारत की तरक्की का पहिया रुक गया था जो अब बढ़ने लग गया। मुझे ये भी याद आ रहा है बहुत अच्छी तरह से कि वाजपेयी जी के समय जब हमारी सरकार वाजपेयी जी की गई थी तब पेट्रोल टैंक की कीमत होती थी 35 रुपए, और यूपीए जाते जाते कांग्रेस पार्टी जाते जाते जिसमें शिल्पी जी भी जिस काफी करीब थी जिस सरकार के जाते जाते वो 78 योजना आई है, बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास योजना आई है। आपने एक मिनट उज्ज्वला योजना का जिक्र किया ना आपने, उज्ज्वला योजना बिल्कुल यही जिक्र किया ना आपने। आंकड़ों को देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 3,60,00,000 गृहिणियों ने 2021-22 में एक भी एलपीजी का गैस का सिलेंडर नहीं भरवाया। यह महंगाई का मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं, एक भी गैस का सिलेंडर नहीं भरवाया है। ये उज्ज्वला के आंकड़े दिखा रहा हूं मैं आपको, ये क्या दर्शाता है अब सुनिए। ये दिखाता है कि मोदी राज में जो सच में गरीब लोग थे उनको ही सिलेंडर मिला, अपने कार्यकर्ताओं को अपने लोगों को नहीं दिया गया। 10 बिलो पॉवर्टी लाइन के गरीबों को मिला, उसमें से 7 ने वापस खरीदा और 3 जो नहीं खरीद पाए उनको भी हम दिवाली और होली पे देने की योजना लाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि 3,60,00,000 गृहणियों ने सिलेंडर नहीं भरवाया तो ये आपकी उपलब्धि है। पूरी बात, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसकी सच्चाई के आंकड़े मैंने आपको दिखाए, याद कीजिए, बुझे हुए चेहरे और रसोई से उठता हुआ धुआं, बुझे हुए चेहरे रसोई से उठता हुआ धुआं, ये आंकड़े प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की विफलता की पोल खोलते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं, ये हमारे
जो सफलता है वो दर्शाता है कि 10 में से 7 महिलाएं जिनकी आंखों से आंसू बहते थे और जिनके लंग्स जो है वो कंजेस्ट हो गए। गुंडेश भाई कभी आप गांव में गए हैं क्या? हमने मुक्त किया उसको उस समस्या का। पिछले 4 महीनों में मैंने ये आंकड़ा देखा और समझा, 153 रुपए, महज सिर्फ 153 रुपए की बढ़ोतरी आपने गैस सिलेंडर के दामों में की है 4 महीने में 153 रुपए। 14 किलो 200 ग्राम वाले की बात करूं, कमर्शियल वाले की बात नहीं, यानी कि ढाई साल पहले अगर जनता की याददाश्त तेज है, मुझे मालूम है, इस बात का यकीन है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यह बताया नहीं जाता, यह पढ़ाया नहीं जाता जो बात आपने की है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यह नहीं बताया जाता कि 2.5 साल पहले जो आप गैस का सिलेंडर खरीदते थे वो 1 दिसंबर 2019 में एलपीजी के गैस की कीमत थी 594 रुपए, यानी कि 2.5 साल पहले 594 रुपए जिसकी कीमत थी दोगुनी हो गई और 560 रुपए ज्यादा महंगा हम सिलेंडर खरीद रहे हैं। गैस के दाम 19 महीनों में 460 रुपए बढ़े। आप कह रहे कि ये खबर नहीं है? और अब ये सुन लीजिए आप, एक हफ्ते के अंदर कौन से देश में, मैं दुनिया भर के देशों का नाम रख रहा हूं सामने आपके, कितना परसेंट एक हफ्ते के अंदर इजाफा हुआ ये सुन लीजिए। इटली में हुआ है 39%, मेक्सिको में 30%, टर्की में 30%, जर्मनी में 24%, ग्रीस में 24%, स्पेन में 22%, जापान में 21%, दक्षिण कोरिया में 18%। अभी गरीब देश भी आएंगे। 7 मई 50 रुपए बढ़े, 19 मई तारीख के हिसाब से क्यों बता रहा हूं मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 22 मार्च 50 रुपए बढ़े, 7 मई 50 रुपए बढ़े, 19 मई 3 रुपए बढ़े, 7 मई 50 रुपए बढ़े, 22 मार्च 50 रुपए बढ़े, लेकिन एक बड़ा लेकिन है और पूरे जनता और देश को समझना चाहिए, विधानसभा चुनाव के वक्त ये दाम रुक गए और विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 4 बार ये दाम बढ़ते हैं और 103 रुपए बढ़े। प्लीज कंटिन्यू, इत्तेफाक है ना सर? ये भी सुन ये भी इत्तेफाक है। मेरी हालत आपको दिख रही होगी कि दाढ़ी भी बढ़ी हुई है और थकान भी है, क्योंकि हमारे आज वोटिंग खत्म हुई है और आपकी सरकार में भी आपका यह हाल है। सुन लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेट में जमीनी कार्यकर्ता हूं, ऐसा मेहनत करता हूं, जानता हूं जरूर भाई, यहां सब कुछ तो आ गया लेकिन ट्रेन छूट गई, सब कुछ आ गया लेकिन ट्रेन छूट गई, अभी ट्रेन बाकी है। कुरेश भाई ट्रेन दिखाऊं? न्यूनतम किराया पहले 8 रुपए और अब 30 रुपए हो गया। पुरेश भाई ट्रेन छूट गई थी। पुरेश भाई ओके, पानी पी लीजिए आराम से। अब एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं।